में बीजेपी मेयर पद की उम्मीदवार अवनीत कौर ने अपना नामांकन भरा। बता दें कि इस दौरान अवनीत कौर के साथ परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री कविता जैन भी मौजूद रहीं, जहां परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री कविता जैन ने कहा कि सभी पांचों जगह से उनकी जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने मेयर के चुनाव डायरेक्ट करवाए जाने को लेकर हरियाणा के सीएम का धन्यवाद किया। साथ ही अवनीत कौर ने भी कहा कि वो पानीपत की बेटी हैं और मौका मिला तो लोगों की समस्याओं का समाधान उनका प्रमुख लक्ष्य होगा। निश्चित तौर पर पांच के पांच जो हमारे जो नगर निगम के चुनाव से मेयर बनेंगे, पार्षद भी पूरी मेजोरिटी में हमारे बनेंगे। और जिस प्रकार से आपने बहन जी ने अवगत कराया कि अब से पहले हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई मेयर है उसके लिए नो कॉन्फिडेंस साल में आ जाता है, तो लगातार पानीपत में यहाँ देख लें तीन बार नो कॉन्फिडेंस आया, तो इसलिए इस करप्शन को समाप्त करने में एक ही पहलू माननीय मनोहर लाल जी ने शुरुआत की है कि जो खरीद प्रोक्त है तो उसको समाप्त किया है। अब डायरेक्ट मेयर के चुनाव होने से शहरों में विकास होगा। सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक फैसला हरियाणा की धरती से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन को, इससे कहीं ना कहीं विपक्षियों पर भी एक करारा तमाचा सा एक जड़ने वाली बात है। और कांग्रेस तो हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है इतने बड़े चुनाव के अंदर भी सामना करने के लिए, और निसंदेह आज विकास के बलबूते पर हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं और पूर्ण रूप से हम पांचों न केवल मेयर के चुनाव जीतेंगे बल्कि पूर्ण बहुमत से हमारी जो पूरी निगम की जो सरकार है वो हमारी बनेगी।